देखिए दोस्तों, हमारे घर में आज चाउमीन का नाश्ता बन रहा है। वो आधा मेरी मम्मी ने कढ़ाई में उबाल रही है और कुछ इधर उबाल के इसको निकाल दी है। उसको भी उबाल के निकालेगी थोड़ा देर में। उसके बाद उसको हम लोग फिर से दूसरे कढ़ाई में तेल डाल के भूंजेंगे, मतलब भूंज के बनाएंगे अच्छे से। अभी सब इसको निकाल चुकी है मम्मी ने, यहाँ पे रख दी है। ये अभी हम लोग चाउमीन को ठंडे पानी से धो रहे हैं और इसको धो के अच्छे से साफ करके फिर इसको रख के रखेंगे। फिर बाद में इसको फिर तेल डाल के भूंजेंगे सब्जी के साथ। ये दोस्तों, हम लोगों ने गाजर और शिमला मिर्च और प्याज को काट के रेडी कर दिया है। बस अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे चाउमीन किस तरह से हम लोग बनाएंगे अपने देसी स्टाइल में। अभी कढ़ाई में हम लोग तेल डाल रहे हैं। अभी हम लोग इसमें मिर्चा डाल रहे हैं, उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। अभी इसमें प्याज भी डाला जा रहा है। थोड़ी देर प्याज को हम लोग भून लेते हैं ताकि थोड़ा सा पक जाए। मिर्चा अभी ये सब थोड़ा थोड़ा हल्का भून के तैयार हो गया है। अभी इसमें शिमला मिर्च और गाजर को डालेंगे। शिमला मिर्च डाल दिए हैं और उसके बाद थोड़ी देर में गाजर को भी डाल देंगे। ये अभी शिमला मिर्च थोड़ा सा पक गया है, अभी इसमें हम लोग गाजर को डालेंगे। अभी गाजर डाल दिए हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल देंगे, क्योंकि सब्ज़ी में भी नमक डालना ज़रूरी है। क्योंकि सब्ज़ी में अगर नमक नहीं डालेंगे तो इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा नमक हल्का सा डाल दे रहे हैं ताकि सब्ज़ी में भी नमक मिल जाए तो अच्छा लगेगा। अभी ये सब्ज़ी पक गया है, इसके ऊपर हम लोग चाउमीन को डालते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं चारों तरफ से। अभी हम लोग इसमें चाउमीन मसाला ऊपर से ऐड कर रहे हैं। फिर इसके बाद इसको और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि और अच्छा लगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं हम लोग। अभी ये बन के तैयार हो चुका है। सब कुछ हम लोगों ने मिला जुला के इसको मिक्स कर लिया।
और अच्छी तरह से पक गया है हमारा चाउमीन। हम लोगों ने देसी स्टाइल में इस तरह से बनाया है चाउमीन। पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हैं अपने घरों में, लेकिन हम लोग पहली बार बना रहे हैं तो इस तरह से बनाए हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी हम लोग प्लेट में इसको निकाल के खाना चालू कर रहे हैं। अभी खाएंगे इसको। फाइनली हम लोगों ने चाउमीन का नाश्ता बनाया था और खा भी लिया। बहुत ही अच्छा बना था हम लोगों के देसी स्टाइल में। आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।